दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए रेलवे भर्ती 2021 की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2021 की बड़ी भर्ती की अपडेट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इस भर्ती के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी 4103 निकली है, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, बिना एग्जाम के भर्ती है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 3 नवंबर 2021 है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट 2021 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 4103 वैकेंसीज निकली है। इंपोर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 4 अक्टूबर 2021 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 3 नवंबर 2021 है। सेली अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 15 से 24 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस UROBC के लिए 100 रुपये है। SST वोमेन PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। SCR.IndianRailways.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक्स का यहीं पर आपको सेक्शन दिया हुआ है। यहीं पर आप जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के लिंक पर क्लिक करोगे तो इसके नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4/10 से चल रही है। लास्ट डेट 3/11/2021 है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप ऑनलाइन करने के सभी यहीं से रीड कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेड वाइज वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की पूरी डिटेल दी गई है। AC मैकेनिक के लिए यहाँ पर SC ST OBC WS UR सभी के लिए आप वैकेंसी चेक कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। टोटल 250 वैकेंसीज है। कारपेंटर के लिए 18 है, डीजल मैकेनिक के लिए 531 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1019 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी 92 है और फीटर के लिए 1460 वैकेंसीज है। मशीनिस्ट के लिए 71 है, MMTM के लिए 5 है, MMW के लिए 24 है, पेंटर के लिए 80 है, वेल्डर के लिए 553 है। टोटल 4103 वैकेंसीज निकली है। इसमें अन्यजीव के लिए 1645 पद है और EWS के लिए 415, OBC के लिए 1113 है, ST के लिए यहाँ पर 310, SC के लिए 620 है। बात अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की जाए तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर इसमें 10वीं पास मांगी गई है 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम से 50% अंकों के साथ में, और साथ में ITI सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है। जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उससे आपका ITI सर्टिफिकेट इसमें होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एज की बात की जाए तो 15 से 24 वर्ष है। SC ST OBC को यहाँ पर आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 15 से 29 वर्ष है, और SC ST के लिए 3 साल की, इनके लिए 15 से 27 वर्ष आयु सीमा है। सभी कैटेगरी के लिए आप से चेक कर सकते हो। PWD के लिए 10 साल की है। सिलेक्शन मेरिट से होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। पेमेंट करने का पूरा प्रोसीजर आपको यहां पर दिया गया है कि कैसे आप फीस पेमेंट कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों यहां पर आप जैसे इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऑनलाइन करने के लिए भी आपको सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमारे पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर email ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करने के बाद में रजिस्टर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन का भी हमारे पोर्टल पर लिंक दिया गया है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।